नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में एक और कार्यक्रम रखा गया है, जहां लखनऊ में आज होमगार्ड बाइक रैली निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई और इस दौरान सीएम योगी ने सभी होमगार्ड के जवानों को बधाई दी और कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र महोत्सव बन गया है। आज हर व्यक्ति में उत्साह और उमंग है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आज हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो अस्मिता है, वह इसलिए है क्योंकि ये हमारा देश है। हम सुरक्षित हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है। हम खुशहाल हैं इसलिए क्योंकि हमारा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुशहाली के मार्ग पर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। इस कोरोना महामारी के कई चरणों के जो वेव्स थी, उन सब को रोक करके, नियंत्रित करके हर व्यक्ति के जीवन और जीविका को गारंटी दे रहे हैं, उसकी सुरक्षित की गारंटी दे रहे हैं। उन स्थितियों में आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए एक नए उज्जवल भविष्य की तस्वीर भी प्रस्तुत कर रहा है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, जहां एक तरफ लोगों में देश के प्रति उत्साह और हर्षोल्लास की भावना दिखी, तो वहीं कुछ लोग अपने तौर तरीके से इस महोत्सव को मना रहे हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की पत्नी और समाज सेविका नम्रता पाठक ने भी लोहिया चौराहे से 1090 चौराहे तक 75 फीट लंबे तिरंगे झंडे की यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने प्राइम टीवी से एक खास बातचीत की, आइए आपको सुनाते हैं। पाठक जी की वाइफ है हमारे साथ, नम्रता पाठक। इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है, इनके साथ तमाम समर्थक हैं, इनसे ही बात करते हैं। मैम, किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, 75वां अमृत महोत्सव है? देखिए, मानवाधिकार बहुत ही सक्रिय संस्था है, इसमें गिरीश अवस्थी जी, बीबा पांडे जी, इन्होंने आज अमृत महोत्सव मनाने के लिए यहाँ से रैली शुरू करेंगे, जिन्होंने 75 फीट का झंडा बनाया है, जिसको हम लोगों ने उद्घाटन करके आगे बढ़ाने का काम किया है। भारत माता की जयकार बोलते हुए सब लोग 1090 पे जाएंगे, जहां 15 अगस्त के आने पर सब उसका स्वागत, जो हमारा 15 दिन से चल रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी ने जो अभियान चलाया है, सबके हाथों में तिरंगा होगा, सब लहराते हुए सबके घरों में तिरंगा होगा, तिरंगे के प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए सभी लोग अभी 1090 पर पहुँचे। क्या लग रहा है, इस बार कुछ खास है? बिल्कुल खास है, इस बार नहीं, जब से हमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी से खास है। इतना लोगों की सोच होनी चाहिए, इतना लोगों के काम करने की शक्ति होनी चाहिए। जब इंसान अच्छा सोचेगा तभी अच्छा काम करेगा। देखिए, लोग 15 अगस्त तो एक ही दिन मनाते थे, ये बताइए, हमको आज़ाद हुए, आज हम 75वें साल में बैठे हैं और हमारे मोदी जी ने सबके प्रति, सबकी भावनाओं में एकदम छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक रोज़ हम लोग तिरंगा फहरा रहे, उन शहीदों को नमन कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप आज यहाँ खड़े होकर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम खड़े होकर जवाब दे पा रहे, इससे बड़ा खास क्या होगा? मेरे शहीदों ने जो अपने आप को बलिदान दिया, उससे बड़ा खास क्या होगा कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए एक बार सब लोग 15 अगस्त को तहे दिल से बधाई देते हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए, यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने भव्य, गिरीश अवस्थी जी कहाँ चले गए, अभिभा जी आप लोगों ने वाकई बहुत सराहनीय काम किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे शहीदों के लिए, अपने देश के वीर जवानों के लिए? देखिए, वो तो निशब्द है, आप क्या कहेंगे, सिर्फ आप उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको नमन कर सकते हैं। हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने यही दिखा दिया कि जो ये श्रद्धांजलि, जो हम भारत माता को और जो ये हम झंडा फहरा रहे हैं, उन शहीदों के लिए ही है। ये प्रदर्शित कर रहा है कि हम आज़ाद देश में बैठे हैं और आज अमृत महोत्सव 75वां मना रहे हैं, इसीलिए सब लोग भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत
माता की जय। भारत माता की मातरम। वंदे मातरम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री की वाइफ नम्रता पाठक, जो कि जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली है। यहाँ से लोहिया चौराहे से होकर 1090 तक जाएगी और उनका साफ साफ संदेश है कि जो पीएम मोदी की, मोदी और योगी जी की एक सौगात है संदेश, उसको लगातार ये आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ स्वागत है प्राइम टीवी लखनऊ। लखनऊ में सीएम योगी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है, पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम खुशहाल हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व मजबूत हाथों में पीएम मोदी के हाथों में है। मुझे खुशी है कि समाज का हर व्यक्ति आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। ये कार्यक्रम इस बात की गवाही है कि हम क्रमबद्ध तरीके से आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। 75वें अमृत महोत्सव पर होमगार्ड की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा शुरू किया गया। सीएम आवास से तिरंगा यात्रा का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान होमगार्ड और जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी मंच पर मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव पर पूरे देश में खुशी मनाई जा रही है और लोगों में अमृत महोत्सव को लेकर भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुदरती तौर पर बोल नहीं पाते, लेकिन देशभक्ति की भावना उन सभी के अंदर भी देखने को मिल रही है। और ऐसे ही कुछ लोग राजधानी लखनऊ की एक संस्था एसोसिएशन ऑफ द डेफ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर इन सभी में खुशी का माहौल है। पूरा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। देश में हर जगह आपको हर चौराहे पे, हर गाड़ी पर तिरंगा मिल जाएगा। इस वक्त हम गोमती नगर के गोमती पुल के ऊपर हैं और मैं एक बार आपको नज़ारा अपने पीछे का दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर नौजवान हैं, नौजवान से लेकर बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पर तिरंगा यात्रा की तैयारी में लगे हैं। आप देख सकते हैं हर गाड़ी पर तिरंगा लगा है। हर एक जो भारतवासी है उसके अंदर एक हर्षोल्लास है। यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं चौराहे के हर खंभे पर तिरंगा लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए ये गोमती नगर का वो पुल है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी गाड़ियों में तिरंगा लगा के चल रहा है। मान के चलिए ये एक आज़ादी का महोत्सव के साथ ही उसके लिए एक बड़ा सा त्यौहार भी साबित हो सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? तो अच्छा, ये शायद बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, माफ़ी चाहूँगा, ये भाई साहब लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, एक बार दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ पर पीछे दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तिरंगा लोग लिए हैं। एक आज़ादी का अमृत महोत्सव है। सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस बार हर 15 अगस्त के दिन हर चौराहे पर 9 बजे को रेड सिग्नल होगा, वहाँ पर एक लाउड स्पीकर के द्वारा बोला जाएगा और एक राष्ट्रगान गाया जाएगा। सबसे बड़ी खास बात है, हम और आप सब ने हालांकि ये बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा, दिखाना चाहूँगा, चलते रहिएगा मेरे साथ, कि हर वो कार जा रही है, यहाँ पर तिरंगा लगा हुआ है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक हर्षोल्लास है, अपनी एक अलग ही भावना, देशभक्ति की भावना लेके चलता है यहाँ पर व्यक्ति। और देशभक्ति से बड़ा, देश प्रेम से बड़ा कोई भी प्रेम नहीं, कोई भी बड़ा धर्म नहीं है। किस तरह से आप देख सकते हैं, ये लोग जो हैं शायद बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनके अंदर भी वो जज्बा है। देखिए ये बोल नहीं सकते हैं, शायद ये बोलने में सक्षम नहीं है, इन्हें कोई दिक्कत मालूम पड़ रही है, लेकिन इनके अंदर भी वो देश का जज्बा है। ये सभी लोग शायद किसी संगठन से या फिर किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर ऐसे लोग होंगे, शायद बोल ना सकते हों, लेकिन एक जज्बा है यहाँ पर देशभक्ति का। देखिए तिरंगा हाथों में लिए हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं, बोलने में सक्षम नहीं, लेकिन एक देशभक्ति का जो जज्बा है ये हर किसी के अंदर ही होता है। भारत, वो कहते हैं कि मेरा भारत महान, वाकई में सही बात है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के लोगों ने टी शर्ट पहनी है। 75वां एसोसिएशन ऑफ द डीफ लखनऊ से हैं ये लोग, और ये हाथ में कुछ तख्ती भी लिए हैं, प्रेस विज्ञप्ति भी है, और इन्होंने बोला है कि मुखबिर बच्चों के संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है, जो बोल सकते हैं वो तो अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं, साथ ही जो बोलने में सक्षम नहीं है उनके अंदर भी एक देशभक्ति की ऐसी भावना है जो शायद आपको हिंदुस्तान के अलावा
कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सभी लोग हैं, एक एसोसिएशन से हैं जिस एसोसिएशन का नाम है एसोसिएशन ऑफ द डीफ लखनऊ। ये लखनऊ के सभी वासी हैं, लखनऊ के हैं, लखनऊ के सभी लखनऊ के वासी हैं। सब बोल नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने प्रयास किया देशभक्ति दिखाने का। सबसे अच्छी बात यह है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जो एक कल्पना थी अमृत महोत्सव मनाने की, ये लोग अभी यहाँ से 1090 चौराहे तक जाएंगे, फिर उसके बाद कल भी ये लोग देशभक्ति की भावना इनके अंदर शायद मुझे लगता है कि ज़िंदगी भर रहेगी और रहनी भी चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हम किसी से पीछे नहीं हैं। और ये काफ़ी संख्या में हैं यहाँ पर लोग, और इनसे आप देख सकते हैं किस तरह से ये अपनी मन के अंदर की देश भक्ति की भावना को जगा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर इन लोगों के अंदर ये सब देखने को मिला। एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जूम करें और दिखाएं यहाँ पर कि ये लोग एसोसिएशन ऑफ द डीप लखनऊ एक संस्था है, वहाँ से ताल्लुकात रखते हैं, ये सभी लोग वहीं से हैं। और ये शायद हम सभी को एक पहला ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि जो मुखबदी लोग हैं, डीप लोग हैं, वो लोग भी देशभक्ति की भावनाओं को जगाए हुए हैं अपने अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, देशभक्ति की भावना को जगाएं। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से लोग हर जगह से सहयोग कर रहे हैं, हर जगह से एक भारतवासी तो हैं ही, साथ ही देशभक्ति की भावना उनके अंदर है जो शायद कभी आपको हिंदुस्तान के अलावा कहीं देखने को ना मिले। कैमरामैन शुभम के साथ स्वागत आपका प्राइम टीवी लखनऊ। फरुखाबाद में सीएमओ डॉक्टर अरविंद कुमार बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने में जुटे हुए हैं। सीएमओ ने जिला अस्पताल लोहिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ ने मुख्य गेट पर ही अपनी गाड़ी खड़ी करवा दी। निरीक्षण के समय एक वार्ड में एसी बंद मिला, जिसमें सीएमओ ने बताया कि सीएमओ को चेतावनी दी गई है वो खुद नियमित ड्यूटी करें और कर्मचारियों से भी ड्यूटी कराएं। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल का है। मैं शिकायत ये मिली थी कि बच्चे इमरजेंसी के बाद जो बच्चा वार्ड है वहाँ गर्मी में बैठे हैं बच्चे, एसी खराब है, तो मौके पर जाकर देखा गया मैंने, तो चेतावनी दी गई टीम को सही कराया जाए तुरंत, कल ये एसी सही हो जाएगा। और फिलहाल इन बच्चों को एसी वाले कमरे में हम लिटा रहे हैं, चेतावनी दी गई सी एम एस को कि ड्यूटी करें नियमित रूप से। सर इसके बाद कोई एक जानकारी भी आई थी, कोई मतलब पीको वार्ड में कोई बच्चा था उसको मतलब भर्ती नहीं किया गया था, इस तरीके का मामला था कोई? मेरे संज्ञान में नहीं है। तो सर पीको वार्ड में आपके द्वारा देखा गया तो क्या अभी डॉक्टर वगैरह वहाँ पे अवेलेबल थे क्या? पीको वार्ड में डॉक्टर साहब थे नहीं, उनकी भी तस्वीर लिया जाएगा कल। कानपुर के जाने माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थनाओं का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राजू को वॉइस मैसेज भेजा। वेंटिलेटर पर यह मैसेज राजू को सुनाया गया। दिल्ली के एम्स में मौजूद राजू के करीबियों के मुताबिक मैसेज में अमिताभ ने कहा कि राजू उठो, अभी बहुत काम करना है। अमिताभ ने उनकी पत्नी शिखा से भी फोन पर हालचाल जाना, भरोसा दिलाया कि ईश्वर जल्द उन्हें ठीक करेंगे। नमस्कार भाइयों, राजू श्रीवास्तव जी क्या यार, ताजा अपडेट यह है कि इस समय 6:30 बज रहे हैं और 6:25 पे मेरी बात हुई है उनके परिजनों से। राजू भैया का लगातार स्वास्थ्य सुधर रहा है, डॉक्टरों ने एक ऑक्सीजन की मशीन कम कर दी, बीपी की मशीन हटा दी है। अमिताभ बच्चन जी की भी बात भाई है शिखा भाभी से, और उन्होंने अपने पंडित भी भेज दिया है, ईश्वरीय शक्ति भी काम कर रही, आप लोगों की दुआएं भी काम कर रही। किसी भी फर्जी अफवाह और फर्जी पोस्ट से बचिए प्लीज, परिवार बहुत परेशान हो रहा है, जैसा हमने पहले बताया था। हम बिल्कुल आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं, 13 तारीख को शाम 6:25 की बात हुई है उनके परिजनों से, राजू भैया सुधार की तरफ है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर थाना अकराबाद इलाके में कस्बे कौरियागंज स्थित घर के कमरे में सो रहे 40 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
रात को दुकान बढ़ाई, दुकान बढ़ा के आए, हम सब ने रोटी भी खाई, सोई सो गए। फिर उसके बाद क्या करें, फिर पता नहीं चला, 4 बजे जो गैस नहीं है दुकान की, वो धो के रख दी थी अम्मी ने, तो वो बाल्टी पे रखी तो वो गिरी है। पापा जब पता नहीं चला, और गेट बंद करा तो अभी गेट खुला मिला हमें। अच्छा, गेट कहाँ से बंद करा, बाहर से या अंदर से बंद करा? किसने बंद किया? मैंने करा था खुद, अंदर से बंद किया। हाँ, तो यहाँ पर क्या लग रहा था, मेरे क्या हुआ इनके साथ? मेरे को तो मेरे पापा चले गए मौका देगा। बुंदेलखंड के हमीरपुर में रक्षाबंधन के बाद कजली त्योहार मनाने की कुछ अलग ही परंपरा है। आज ही के दिन चंदेल वंश की महारानी मलहना और राजकुमारी चंद्रावली ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर उन्हें पराजित किया था। तभी से यहां कजली त्योहार की शुरुआत हुई। हमीरपुर जिले में आज कजली महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 166 वर्षीय ऐतिहासिक कजली दंगल का आयोजन हुआ और दूर दराज से आए पहलवानों ने अपने दांव पेच आजमाए। साथ ही साथ हजारों लोगों ने मेले में पहुंचकर आनंद लिया। 166 साल हो गए इसको। हमारे चचेरे बाबा और हमारे बाबा श्री चंडी प्रसाद जी और चंद्रशेखर पंडित चंद्रशेखर शुक्ला जी ने इस मंदिर की स्थापना के समय से ही शुरुआत की थी। उसके बाद हमारे ताऊजी पंडित भोलानाथ शुक्ला चेयरमैन और हमारे पिताजी श्री विश्वनाथ शुक्ला जी, उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। तमाम परिस्थितियां बिगड़ने के बावजूद ये दंगल आज तक हम लोग चलाते चले आ रहे हैं और पूरे रमैणी के सहयोग से, हमीरपुर के वासियों के सहयोग से, सबके सहयोग से ये दंगल होता है। और यहाँ पर कोई कमेटी नहीं है, बस हम ही नाम बांटते हैं और उसके अच्छा अनुसार और मनोरंजन के हिसाब से ये दंगल होता है। भारत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। देश भर में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान हर घर तिरंगा और तिरंगा मेरा अभिमान महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में गोंडा, सोनभद्र और संभल में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देखिए इन जगहों की कुछ खूबसूरत तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। गोंडा, सोनभद्र, संभल सभी जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां तिरंगा यात्रा निकाली गई है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।